जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझसे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाता है, और उसने मुझसे पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है। मैंने कहा कि एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और इस पर उसके सात दीपक भी है, और चोटी पर के इन दीपकों के लिए सात सात नालियां है, और दीवट के पास जलपाई के दो वृक्ष हैं, एक तो उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाई ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये क्या है। जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है। मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है कि न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के परमेश्वर का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा कि उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा, और तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। और यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहूल को जरुब्बाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जलपाई के वृक्ष जो दीवट की दाहिनी और बाई ओर है, ये क्या है? फिर मैंने दोबारी बार उससे पूछा कि जलपाई की दोनों डालियां जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उंडेलती है, वह क्या है? उसने मुझसे कहा, तू न जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए दो पुरुष है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं।